लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पनवेल के पूर्व विधायक विवेक पाटिल, जिन्होंने कर्नाला बैंक के माध्यम से लोगों का लगभग 225 करोड़ रुपया लूटा हुआ है, इनके खिलाफ काफ़ी सारे शिकायतें पिछले 2 साल से हो रही थी, पर पिछले 2 सालों में इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लगभग पिछले 1.5 साल तक यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने विवेक पाटिल के खिलाफ होने वाली शिकायतों को नज़रअंदाज किया और उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम किया। आज मुझे बहुत खुशी है और सभी वो डिपॉजिटर्स जिन्होंने कर्नाला बैंक में पैसे रखे होंगे, ऐसे लगभग 60,000 डिपॉजिटर्स को आज खुशी होगी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से कार्रवाई हुई है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द विवेक पाटिल, इन्होंने ये पैसे कहाँ छुपाए इसके बारे में जानकारी मिले और इससे ये बेनामी प्रॉपर्टी जो भी कोई बनाई होगी उसको जब्त किया जाए और उसके ऑक्शन में से लोगों के जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं ऐसे डिपॉजिटर के पैसे वापस मिलने चाहिए। इसके लिए अब हम आगे फॉलो करें। बिल्कुल देर हुई है, देखिए जिन लोगों के पैसे 2019 साल में जिनकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो चुकी थी उनको पैसा नहीं मिल रहा था, लोगों ने चेक दिए थे दूसरों को, उनके चेक वहाँ पे वसूल नहीं हो पाए, चेक यहाँ पर उनके पास नहीं हो पाए, लोगों ने RTGS किए पर RTGS भी लोगों का क्लियर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग का वायलेशन हो रहा था पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्माननीय किरीट सोमैया जी को कि जिन्होंने इसके बारे में RBI के पास में, गवर्नमेंट के पास में पूरा फॉलोअप किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने जो फॉलोअप किया उसके आधार पर आज ये कार्रवाई हो पाई है। आने वाले समय में लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिले ये लोगों की अपेक्षा है, इसके लिए भी हम काम करें।